हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का गणित का रचना 11.1 का दूसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ए बी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, किसी को भी मान सकते हैं। ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 5 और बी सी 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा भुजा जो है उसको खींच लेते हैं, वैसे किसी को खींच सकते हैं। तो बी सी हम लोग खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ये हमारा बी सी हो गया। बी सी 6 cm। इसके बाद ए बी 4 सेंटीमीटर चाप हम लोग फैलाएंगे, ए बी 4, और इसको बी से काटेंगे, बी पर ये रख देंगे और बी से हम काटेंगे 4 सेंटीमीटर का। फिर ए सी है 5, तो इस चाप को हम फैला लेंगे 5 सेंटीमीटर तक और इसको हम सी से काटेंगे, तो ये हमारा बिंदु मिल गया ए। अब इस ए को हम बी और सी से मिला देते हैं, तब हमारा ये त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। ये त्रिभुज हमारा बन गया। अब करना क्या है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक न्यून कोण खींच लेते हैं। इस न्यून कोण का नाम दे देते हैं एक्स, ए बी एक्स हो गया। इस पे कितना 2/3 गुना त्रिभुज होना चाहिए। तो इस पर हम पहले बराबर दूरी पर 3 बिंदु ले लेंगे, दोनों में से बड़ा कौन है, 2 और 3 में से 3 बड़ा है। तो यहाँ से 3 चाप काट लेंगे और हर में जो चीज़ है, हर में 3 है, तो 3 से पहले हमको यहाँ इसका नाम दे देते हैं B1, B2 और B3। तो B3 से C को मिलाएंगे, B3 से C को मिला दिए। अब B3 C के समांतर B2 से एक चाप खींचेंगे। तो यहाँ से कैसे खींचेंगे, इसके समांतर होना चाहिए। तो B3 और C के लंबाई का एक चाप लेते हैं और इसको हम B3 से काट देते हैं। फिर B2 और B3 का चाप लेते हैं और इसको C से काट देते हैं और इसे हम B2 से मिला देंगे। B2 से मिला दिए, तो ये जो हमारा कटान बिंदु हुआ इसका नाम दे देते हैं डी। अब डी से इस पर समांतर खींचना है इस लाइन के, तो इसको खींचने के लिए क्या करेंगे, हम ए सी का चाप लेंगे और एक तीसरा बिंदु है डी, यहाँ से इसको काटेंगे। फिर सी डी का चाप लेंगे, सी डी का चाप लेने के बाद ए से इसको हम काटेंगे। अब ए डी को यहाँ से इसको मिला देंगे, इसका हम नाम दे देते हैं ई। तो इस प्रकार हमें ये त्रिभुज बी डी ई प्राप्त हो गया, जो कि दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। और इस दोनों के भुजाओं का अनुपात जो है वह क्या है, 2/3 गुना है, यानी त्रिभुज बी डी ई
और त्रिभुज ए बी सी इसका अनुपात पूछा जाए तो ये अनुपात हो गया 2/3। तो रचना आप लोग समझ गए कैसे किया जाता है। अब यहाँ से हमें नीचे में रचना के चरण लिखने होंगे, रचना के चरण जो कि बारी बारी से हम लोग जो सब किए हैं, जैसे कि क्या किए हैं, पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचा, फिर क्या किए हैं इसके बाद चाप लिए हैं 4 सेंटीमीटर का और यहाँ से काटे हैं हम, AB हो गया 4 सेंटीमीटर, फिर C से लिए 5 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हम पॉइंट बना के 5-6 पॉइंट में लिख सकते हैं। यदि फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम लोग नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।